चलो सारे आए हो। विकास माइक नीचे करो सर। फोन किया मनी आवाज भी नहीं आया तो माइक शुरू करें। जैसे कि दो दिन नॉमिनेशन में बाकी है, कैंडिडेट्स की सूची हम आप लोगों के बीच में लाने का काम करेंगे। जिस तरीके वो धीरे धीरे कर अपने चार कैंडिडेट्स के ऊपर भी निर्णय नहीं कर पा रही, ये अपने आप में दर्शाता है कि आज इसके मन में और देने का मिलकर ये जननायक जनता पार्टी जिसकी शुरुआत सोनीपत लोकसभा से चलते हुए करनाल लोकसभा हम एक दिन करने का काम करेंगे। वहीं सिरसा और डवाली कंक्लूड करें, प्रदेश के अंदर दो बड़ी सभाएं विद्वान प्रदीप देशवाल जी उम्मीदवार स्वाति यादव का नॉमिनेशन प्रस्तावित शाम तक आपके बीच में हम रखें। उम्मीदवार एक एक्स्ट्रा जे जी पी और आप
कैंडिडेट को। हिसार लोकसभा से के अंदर इस गठबंधन के आम आदमी जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश के हरियाणा के और उसके साथ साथ भ्रष्टाचार हिंद फरीदाबाद से वाला लोकसभा सीट से जीपी रहे हैं श्री बाला लोकसभा सीट से श्री पृथ्वी कैंडिडेट के रूप में घोषित कर तीसरा कृष्ण कुमार अग्रवाल अध्यक्ष हैं अपने समाज के अंदर उनकी सक्रियता देशव्यापी समर्थन करते रहे हैं। तो इस तरह तीन कैंडिडेट जो आम आदमी पार्टी और करनाल से एडवोकेट कृष्ण कुमार अग्रवाल जी हमारे कैंडिडेट होंगे। नॉमिनेशन के बाद जैसा नॉमिनेशन जिसमें दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला जी और साथ ही साथ तमाम नेतागण आज भारतीय जनता पार्टी का आपको के बारे में आपको बताना चाहता हूं। पश्चिमी
हमारे तीन कैंडिडेट का नॉमिनेशन होना था। सीट से गोगन सिंह रंगा जी का, लेकिन कांग्रेस और वो सीटों के लिए किया और हमने निर्णय लिए उनको समय के सामने रखती रही। बावजूद भी उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस विपक्ष की ताकत को लगी हुई है, जिस तरह से आंध्र प्रदेश के अंदर उसने वो दिल्ली हरियाणा और चंडीगढ़ के पीछे हट गई है और ऐसे में हम सकारात्मक निर्णय लिया और आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए कृत संकल्प दिख रही है और हमने जनता के बीच में जाकर के इस बात को रखेगी, क्योंकि दिल्ली फिर भी आज वो भाजपा को कैसे जिताया ...2015 के विधानसभा चुनाव में मुंहतोड़ जवाब पूरे देश के अंदर एक ही मुहिम में लगी हुई है। हम चलेगा और भाजपा से मुकाबला करेंगे। आम आदमी पांडे जी अपना नॉमिनेशन करेंगे। नॉमिनेशन में जी अपना नॉमिनेशन करेंगे जिसमें मनीष मौजूद रहेंगे। नॉर्थ वेस्ट में श्री गोगन सिंह रंगा जी पंकज गुप्ता जी नॉमिनेशन करेंगे जिसमें श्री सत्येंद्र जैन जी और श्री इमरान सोदिया जी और संजय सिंह जी शामिल हैं। तो कल आम आदमी पार्टी के छह उम्मीदवार दिल्ली के अंदर अपना नॉमिनेशन के साथ हम भाजपा को चुनौती देंगे। यहां पर भाजपा और कांग्रेस दोनों को हमने भाजपा को हराने के लिए पूरी मजबूती के साथ कल से अपना अभियान शुरू करेंगे। कोई सवाल? सारी
कांग्रेस उसी राह पर यहां भी आगे बढ़ने का निर्णय ले चुकी है जिस राह पर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र बंद हो चुकी है बिल्कुल। हरप्रीत आपका गठबंधन पर कोई बात नहीं, आप लोग फिर भी दर्ज नहीं कर पाएंगे तो आप लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी को कांग्रेस नहीं हरा सकती। दिग्विजय था बेचारा, जमानत जमानत होगी तो उनके 30 हमारा खा मुख्यमंत्री है उम्मीदवार की ही। आप देखोगे पूरे के पूरे हरियाणा में लोगों ने कहना शुरू कर दिया कांग्रेस वाला ही सेटिंग बीजेपी के लिए हो गया है तो लड़ेंगे। न्याड़ा के अंदर जो है सारी बात मानने के बावजूद भी भाजपा को नहीं हराना है, विपक्ष को खत्म करना और कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप सभी नेता भी उसमें मौजूद थे। हरियाणवी अंदाज में जवाब दे देखो, इस देश के अंदर पूरे देश के अंदर आज दो तरह के और देश के तमाम लोग एफर्ट कर रहे हैं और मानते हैं। आम आदमी पार्टी का मकसद सीट नहीं है, दिल्ली में भाजपा और उसके लिए हम कांग्रेस जिस राह पर उत्तर प्रदेश में चल चुकी है चलने के लिए कृत संकल्प दिख रही है और इसलिए आज हमने निर्णय और मेहनत करके भाजपा को चुनौती देकर के हरियाणा कांग्रेस को या पूरी कांग्रेस को कांग्रेस ही चला रहे हैं। केस कर रखे हैं, एफआईआर कर रखे
चलो।